हाय एवरीवन, आज मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ अपना शिरडी ब्लॉग। हम फैमिली के संग गए थे और करीब एक साल पहले हम शिरडी गए थे। सो मैं बहुत दिन से सोच रही थी ये ब्लॉग आपके संग शेयर करूँ, लेकिन मैं बार बार भूल जा रही थी। सो फाइनली आज मैं आपके संग अपना शिरडी ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर से यहाँ पर शिरडी बाबा मिल रहे हैं। और यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉयमेंट की थी। मेरे संग मेरे हस्बैंड गए थे, मेरा छोटा सा बच्चा गया था, और हम गए थे पापा मम्मी के संग और मेरे ससुर जी। तो दो पापा और एक माँ और पति के संग हम गए थे। सो हाय फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं शिरडी साई और मैं यहाँ से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ट्राई करूँगी थोड़ा थोड़ा पार्ट शूट करने का। चलिए आप भी मेरे संग शिरडी घूम लीजिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेबी बहुत इंजॉय कर रहा है। वो उसका ये जो है ना, इसका पहला ट्रिप था शिरडी का। हमने सोचा था बेबी होते ही हम शिरडी ज़रूर जाएंगे। सो बेबी इस टाइम ना 9 मंथ का था और ट्रेन का पहला एक्सपीरियंस है उसका। और ये है मेरा आज का आउटफिट। और अगले मॉर्निंग हम रेडी होकर शिरडी निकल चुके हैं दर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, पूरा मार्केट से भरा हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। हमने दर्शन के संग संग बहुत सारी शॉपिंग भी की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी हैंडक्राफ्ट की चीज़ें भी मिल रही है, और बच्चों के लिए भी कपड़े मिल रहे हैं, और प्रसाद के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, फूल माला वगैरह मिल रहा है। सामने आप जो देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का गेट, वो है मेन एंट्रेंस। और यहाँ ना बहुत इन्जॉयमेंट हुआ। इस बार मैं शिरडी दूसरी बार गई थी। सबसे पहले हम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ गए थे, मेरे हस्बैंड और उनके कुछ फ्रेंड्स गए थे। उस टाइम भी हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, और इस वक्त हम फैमिली के संग गए थे और इस बार तो हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये पीच कलर के शर्ट में ना मेरे ससुर जी हैं, और यहाँ पर हस्बैंड और बेबी। और आप देख सकते हैं हम शिरडी इन कर चुके हैं, और यहीं से ना एंट्रेंस है। मैं आपको एंट्रेंस भी दिखा देती हूँ। ये है एंट्रेंस, और बेबी अभी तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, और बैकग्राउंड में आप उसका वॉइस भी सुन सकते हैं आप। और ये है शिरडी का ना अंदर का व्यू। अंदर इन करते ही ना आपको हनुमान जी का सबसे पहले मंदिर मिल जाएगा। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना कुछ सिक्योरिटी गार्ड से कुछ पूछ रहे हैं कि हम कैमरा वगैरह, वॉलेट, पर्स वगैरह कहाँ रख सकते हैं। सो यहाँ पे सारा कुछ अलाउ नहीं है, तो आपको बड़ी जो पर्स है वो सारा रख के जाना पड़ता है अंदर। कैमरा, फ़ोन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको ना रख देना पड़ता है लॉकर में। सो सबसे पहले ना हम लोग ने यहाँ पे दर्शन किया। ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जाएंगे लॉकर रूम के पास, और सारा सामान वहाँ पर लॉकर रूम में रख देंगे। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना दर्शन। सो ये है मेन गेट, मैं आपको दोबारा दिखा दे रही हूँ। यहीं से हमने एंटर किया है, और यहाँ पे अंदर में भी बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे आपको इस तरीके से प्रसाद के लिए। लेकिन मेन गेट के अंदर ना जब भी आप कुछ भी परचेस करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्राइजी होता है। और ये क्यूट सा डॉग दिख गया मुझे, तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया। और अगर आप मेन गेट के बाहर से कुछ परचेस करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा चीप में मिल जाएगा, आप वहाँ पे बार्गनिंग कर सकते हैं। लेकिन मेन गेट के अंदर अगर आप कुछ लेते हैं ना, तो वहाँ पे आप बार्गनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सो ये देख सकते हैं आप, ये है अंदर का व्यू। एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी थी छोटे बच्चे के संग ब्लॉगिंग करने में, और काफ़ी दिन बाद मैं इस ब्लॉग को, ऑलमोस्ट एक साल बाद इस ब्लॉग को शेयर कर रही हूँ। सो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी आएगा। शिरडी के बाद हम मुंबई गए थे, मुंबई का भी ब्लॉग मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूँगी। सो आप देख सकते हैं बहुत भीड़ थी जिस टाइम हम गए थे, काफ़ी इंजॉय भी किया हम लोगों ने। और अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो मेन गेट से ना लॉकर रूम काफ़ी दूर है, तो आपको वहाँ पे चल के ही जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ना अंदर का व्यू मिल जाएगा। और अब हम पहुँच चुके हैं लॉकर रूम के पास। एक मोबाइल रखने के लिए ना आपको 5 रुपीज़ पे करना पड़ता है, एंड हस्बैंड को छींक आई। और वो देखिए, हेलो हस्बैंड जी। सो बेबी भी बहुत कंफर्टेबल था इस कैरियर बैग में, ये लव लैप का है। और ये है लॉकर रूम, आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जेस लिखी हुई है।
आप यहाँ पे मोबाइल कैमरा वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ दर्शन करने के बाद ना हमने कुछ शॉपिंग की है, फ़ोन वगैरह हमने रख दिया था। और आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल से यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, छोटे से लेके बड़े बड़े साईं बाबा की मूर्ति यहाँ पे मिल रही थी। सो हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग की भी है। और दर्शन का तो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि हमने फ़ोन कैमरा सब कुछ लॉकर रूम में रख दिया था। और मेरे हस्बैंड ना यहाँ से कुछ पसंद कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें थी। आपको शिरडी ज़रूर जाना चाहिए, मन को बहुत शांति मिलती है। और साईं बाबा के बारे में ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे नॉलेज मिलता है, वहाँ पे अच्छा खासा आपका टाइम बीत जाता है। अगर आप आराम से घूमना तो आपका 3 से 4 घंटा आराम से लग जाता है। यहाँ पे काफ़ी इंजॉयमेंट किया हम लोगों ने। और आप देख सकते हैं ये है चावड़ी, और ये ना मेन गेट के बगल में ही ये वाला चाड़वी है। सो यहाँ पे हमने थोड़ा देर बैठ के रेस्ट भी किया था। ये देख सकते हैं यहाँ प्रसाद के लिए ना यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके से शॉप मिल जाती हैं। और बार्गनिंग ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं प्रसाद का, माला का, चुनरी का, मतलब चद्दर जो है ना जो साईं बाबा को चढ़ाते हैं उनका सबका प्राइस वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बार्गनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन लोगों के संग, वरना ये तो हम लोग को ठग देंगे पूरे। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ का ना एनवायरमेंट बहुत ही सुंदर था। सो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे से बहुत ही सारे यहाँ पर आपको इस तरीके से शॉप मिल जाएंगे। अंदर में दर्शन करने के बाद ना हम लोगों ने कैमरा वगैरह ले लिया था, तो मैंने सारा कुछ ना अपने मोबाइल से ही शूट किया है। और मैं जब ये ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो हस्बैंड और मेरे दोनों पापा और माँ गए थे अंदर अगेन दर्शन के लिए। मुझे सही से याद नहीं आ रहा क्योंकि मेन जो दर्शन था वो हम लोगों ने कर लिया था। साईं बाबा का यहाँ पर कुछ और भी था जहाँ पर दर्शन करना था, सो यहाँ पर वो दर्शन करने के लिए अंदर जा चुके हैं। और मैं अकेले हूँ क्योंकि मेरे पास बैग है, कैमरा का भी बैग है और सबका मोबाइल मैंने होल्ड करके रखा है। मैं फर्स्ट टाइम जब गई थी तो मैंने यहाँ पे दर्शन कर लिया था, इस वजह से मैंने सोचा इस बार ना हस्बैंड को भेज दूँ, मम्मी पापा लोग के संग वो दर्शन उन लोगों को करा के लेके आ जाएंगे। और ये है अंदर का व्यू, ये है शिरडी बाबा और श्री साईं बाबा। और ये जो है ना लाइव चल रहा था, तो मैं बाहर बहुत बड़ी यहाँ पे डिस्प्ले लगी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको भी यहाँ का दर्शन करा देती हूँ। सो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती यहाँ से जाने से। एंड ये देखिए यहाँ पे मम्मी निकली और ये मेरे ससुर जी, ये भी पापा, ये मेरे हस्बैंड निकले बाबू के साथ और ये रहे मेरे पापा। सो अब हो गया है लंच का टाइम, दोपहर हो चुका है, मॉर्निंग में ही निकले थे 8 बजे के आसपास और अभी हो चुका है अच्छा खासा टाइम, 2-3 बज चुके थे। अब हम जा रहे हैं लंच करने और शिरडी साईं का जो टेंपल है ना वहाँ से ये लंच का जो जगह है ना काफ़ी दूर है और यहाँ पे हम लंच करने आए थे। यहाँ पे जो भी कुछ खाना वगैरह बनता है ना सारा सोलर सिस्टम से ही बनता है। सो यहाँ पे लंच करने के लिए आपको कूपन लेना पड़ता है। सो देख सकते हैं इस तरीके से बड़ी बड़ी से सोलर सिस्टम लगाई हुई हैं और ये पापा जा रहे हैं। तो इसके अंदर अब हम जाएंगे लंच करने और लंच से पहले ना हस्बैंड जा रहे हैं यहाँ पे कूपन लेने। और यहाँ पे 2 तरह के कूपन मिलती है, एक नॉर्मल और एक वीआईपी। सो हमने वीआईपी कूपन लिया था और ये है हमारा खाना, रोटी, चावल, पापड़ और कुछ मीठा, चने की सब्जी थी, दाल थी, एक और सब्जी था पनीर का। और यहाँ पे जो भी आपको खाना खिलाते हैं ना वो इस तरीके के आउटफिट में रहते हैं, आई मीन ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने रहते हैं। और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। सो ये हो गया मेरा ब्लॉगिंग कंप्लीट और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं आज का दिन का जो पार्ट है ना वो दूसरे ब्लॉग में आपके संग शेयर करूँगी, वरना ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा।
सो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। सो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, शेयर कर दीजिएगा सारे फ्रेंड्स और फैमिली के संग। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बाय।